था वो जरा बेहतर था. हाँ. जो डॉक्टर ताहिल कादरी का कंटेनर था वो एयर कंडीशन भी था, स्क्वायर भी था, उसमें स्पेस दी. ये बहुत ही नैरो सा था. बिल्कुल. तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि लाइट करना और बैठना बड़ा मुश्किल था. और मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, मुझे बहुत तेज बुखार और टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ था. Okay. और खान साहब को कोई एलर्जी है ऐसे भी एयर कंडीशनर से, तो गर्मी भी बड़ी थी, तो वो एयर कंडीशनर भी अगर चल रहा था तो हमारे लिए तो नहीं लगाया हुआ था. तो इट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू की वजह से हुआ होगा. आई थिंक ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट. और मैं मेरी बिल्कुल जैसे कि होता है ना, ऑब्वियसली ऑफ प्रपोजिंग, ही न्यू यू ना खान साहब, वो आपको वो आपको जानते थे ना. और जब आपने इंटरव्यू के लिए गई, आपको देखा, जानते तो नहीं थे. नहीं जानते तो नहीं थे एज सच, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आई एम अ वेरी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो मेरे जैसे सहाफी सर्कल में भी कोई मुझे नहीं जानता. तो नोबडी न्यू कि इनके बच्चे भी हैं या इनके पहले शादी हुई है या ये कहाँ से हैं. मैंने कभी किसी के कुछ ज्यादा इतना क्लोज नहीं रखा. द इंटरव्यू वॉज, आपको पता है कि ये एक और मैं आपको इन्फो दे दूं कि खान साहब का जब भी इंटरव्यू कहीं अरेंज करते हैं तो हमेशा डर ये लगा रहता है प्रोड्यूसर्स को कि कहीं यू नो लास्ट मिनट कैंसिल ना हो जाए. ओके. तो मेरे प्रोड्यूसर ने सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ी, क्योंकि 2-3 दफा कैंसिलेशन हो चुकी थी. राइट. तो उसको यकीन नहीं था कि आज उस दिन के बाद से, वैसे उसने बाय द वे नमाज छोड़ी भी नहीं. लेकिन इट वॉज वेरी ऑकवर्ड बिकॉज जो कंटेनर था, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, मैं कंटेनर में 2 दफा ही इत्तफाक हुआ जाने का. एक दफा हमारे एंकर भाई हैं वसीम बदामी साहब, उनके साथ जी. और एक दफा ये इंटरव्यू के लिए. तो वो इंटरव्यू जब हुआ तो वो कंटेनर का जो सेटअप था वो मैं तो हैरान रह गई कि खान साहब ने किस तरह वहां पे गुजारा किया, क्योंकि वो बड़ा नैरो सा था. जी जी. मैं इससे मुआवजा कर रही हूँ कि जो दूसरा कंटेनर तो खान साहब को भी नहीं पता था. दैट्स ग्रेट. जी. इतना फ्री किसी को नहीं, ज्यादा फ्री नहीं किया किसी को. दैट्स सुपर ग्रेट. और ये मेरी तमाम बच्चियों के साथ, तमाम बच्चियां जो सुन रही हैं, एक गुजारिश भी है और एक आपको मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली किसी को फ्री किए बगैर आप काम कामयाब भी हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप काम भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आपकी ज्यादा इज्जत होती है. और आपको किसी की सिफारिश की, किसी की यू नो मुस्कुराने की जरूरत नहीं है लोगों से काम करवाने के लिए. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रही हैं. जो बच्चियां सुन रही हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल. अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है. आप मत समझे कि ये जरूरी है. अच्छा अब रेहान जल्दी से हम आते हैं. दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, आपको प्रपोज कब किया? जी जब प्रपोज किया तो बेसिकली मैं जो आपको बता रही थी कि जानते नहीं थे, तो मुझसे पूछा उन्होंने इंटरव्यू के बाद कि मुझसे पूछा कि वालदैन के नाम बताएं. जी. तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वालदा का और वालिद साहब के पूरा नाम पूछ रहे हैं. तो मैंने सोचा ना जान ना पहचान वालिद वालिदा का नाम पूछ रहे हैं. मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि वो मैंने इस्तखारा कराना है. ओह माय गॉड. यू नो हाँ यू मस्ट हैव बीन लाइक इट. नेक्स्ट इंटरव्यू के बारे में इस्तखारा तो नहीं कराना. आई नो नहीं. तो मैंने ये पूछा उनसे कि मैंने कहा ना जान ना पहचान बंदा पूछ ही लेता है कि तुम्हारा कुछ दिलचस्पी भी है. मतलब खुद ही से सोच लिया, खुद ही से प्लान कर लिया कि इस्तखारा कर. मैंने कहा मुझसे तो पूछ ले. एग्जैक्टली. तो मुझे कहने लगे. फिर मैंने उनको खैर लेक्चर दिया और खान साहब को ऑब्वियसली लेक्चर सुनने की आदत नहीं है, तो उनको जरा शॉक लगा. मैंने कहा इस्तखारा तो अब बाय द वे मेरी जो समझ है खुद करना चाहिए. तो बहरहाल सो इस तरह उन्होंने बेसिकली प्रपोज किया. मैंने कहा क्यों इस्तखारा कराना चाह रहे हैं? तो कहने लगे कि क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं पता तुम्हारे बारे में. लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई यू डोंट हैव अ प्राइस, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है. और ये Prices, बात मुझे wow. तुम्हारी जो खुददारी है वो पसंद आई है. और तुम्हारी कोई स्टोरी है वो भी मुझे अंदाजा है कि क्या स्टोरी है. Okay. कोई शादी हुई थी, कोई बच्चे हैं, तो मैं कहा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. लेकिन एनीवे इस तरह उन्होंने प्रपोज किया. Okay. बड़े ही डायरेक्ट तरीके से. अच्छा अब आप बताएं, आपने किन चीजों को सोचते हुए दिमाग में हाँ कहा उनको?
Why did you say yes? मुझे तो obviously जरा shock लगा. Yeah. लेकिन जो चीज मुझे स्ट्राइक की और मैंने बार बार कहा है कि उन्होंने जब सुलेमान के बारे में बात कही, अपने बड़े बेटे के बारे में बात कही, राइट, तो वो आप एक देखते हैं कि नो बड़ा एग्रेसिव सा, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत माचो, यू नो इमरान खान, खान साहब के बारे में जब सोचते हैं तो लोग जो उनकी आंखों में नरमी और अफसोस, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो मुझे इतना टच किया. मेरी ऐसे भी ये दुखती रग है बिकॉज वो इतने एक्सेप्शनल फादर हैं. और उन्होंने जिस तरह सुलेमान के बारे में मुझसे बात की तो मुझे लगा कि ये तो मैंने इस शख्स को शायद मैं गलत इंटरप्रेट किया है. ये तो बहुत मुख्तलिफ शख्स है. और वो सैडनेस उनकी जो आंखों में थी और जो यू नो वो मुझे बड़ी अपील की, टच की, और मैंने सोचा कि ये देयर इज मोर टू दिस.